किसान भाइयों के लिए गेहूं काटने की मशीन है। ये चार चक्के में निर्मित होती है, तीन चक्के में भी निर्मित है। अभी हमारे बेगूसराय ज़िला में चार चक्का उपलब्ध है और ये दो तरह का इक्विपमेंट है। एक फोर व्हीलर्स में जिसको हम लोग रीपर बाइंडर फोर व्हील मतलब हुआ कि गेहूं काट कर उसको बांधा भी जाता है, बांधा भी जाता है। दूसरी जो इनके पास जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है उसके लिए TFM उसको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के साथ वो इक्विपमेंट सेट होता है, वो भी उसका भी काम वही सेम है, गेहूँ काटना है और उसको बांधना है। और एक बीघा हम गेहूँ की कटाई हम करते हैं, मजदूर से करवाते हैं, तो कुल मिला के हमको लगता है एक बीघा में 4,000 से 5,000 रुपया कॉस्टिंग आ रहा है। तो जब से रीपर बाइंडर का प्रचलन मार्केट में हुआ है, बिहार की धरती पे जब से रीपर बाइंडर का प्रचलन हुआ है, मिला के लगभग 1,500 से 2,000 के आसपास एक बीघा कटाई में किसान 50% छूट हो जाता है। जी सर, 50% आपका जो है 50% आपका बजट कम जाता है। अगर 4,000 आपका लग रहा है एक बीघा कटाई में, तो वही एक बीघा कटाई में आपको मात्र 2,000 रुपया लगेगा। जी 5 लाख का जो आपका जो यंत्र है, जैसे रीपर बाइंडर फोर व्हील 5,30,000 जो उसका कीमत है, उसमें 2.5 लाख सब्सिडी है, तो वो माइनस हो जाएगा 2.5 लाख सब्सिडी, 2,80,000 रुपया मात्र किसान को पे करना है। और जो 5 लाख जैसे जनरल वर्ग के किसान है, 5,30,000 में 2 लाख रुपया उनको अनुदान मिल रहा है, तो मात्र 3,30,000 रुपया ही किसान को देना है। जो हम लोगों का जो मेन गोल है वो 1,001 रीपर बाइंडर ट्रैक्टर और चार चक्का मिला के, ठीक है, पूरे बिहार में इस 2024-25 में कुल मिला के 1,001 रीपर बाइंडर बेचने का हम लोगों का टास्क दिया गया, टास्क उसको हम लोगों का गोल समझिए, कर पाएंगे एकदम सर, हम लोग पूरा जोर शोर 100% पूरा करेंगे। किसान को रात में 1 बजे अगर मशीन में कोई तरीके का अगर प्रॉब्लम हुआ तो हमारा जो मैकेनिक है वो चल जाता है, 4 बजे मैंने सवेर तक 4 बजे तक वो लोग काम किया है। जहाँ होटल युवराज में अभी हम आए हुए थे, जहाँ पर ग्रीन लाइन कंपनी की रीपर बाइंडर जो है मशीन की जो है यहाँ पर आज यहाँ पर समिट रखी गई थी, जहाँ पर टारगेट रखा गया 1,000 रीपर बाइंडर, यानी कि एक गेहूं काटने की मशीन है जो कि बहुत तेज़ी से जो है ये गेहूं काटती है और उसको काट के फिर समेट के जो है उसे बांध भी देती है, यानी कि 4,000 रुपये का काम मात्र 2,000 में हो जाता है और किसानों को जो है सहूलियत भी मिलती है, साथ साथ जो है वहाँ पर ज़मीन को भी जो है मतलब ज़्यादा जो किराया होता है जो मज़दूर को देना पड़ता है वो कहीं ना कहीं कम लगता है, और यहाँ पर सब्सिडी का भी सुविधा है, जहाँ पर 5 लाख से ऊपर की जो मशीन जो है वो 50% से 60% में आपको मिल जाएगी। तो जो भी कस्टमर अगर बिजनेस करना चाहते हैं, रीपर बाइंडर लेना चाहते हैं, यानी कि गेहूं कटाई मशीन लेना चाहते हैं, तो ग्रीनलैंड कंपनी की जो है आप नीचे दिए गए नंबर पर कंसल्ट कर सकते हैं। बेगूसराय शहर में आज ग्रीनलैंड की जो है एनुअल बिहार मीटिंग हुई, जहां पर ग्रीनलैंड कंपनी की जो है यहां पर दो दो इक्विपमेंट्स जहां पर आज उसका समिट हुआ है, जहां बहुत सारे ज़िले बिहार के कई एक ज़िले में से जो है जितने भी डीलर है आज यहां पर आए और उनका सम्मान समारोह हुआ, और उनका टारगेट था कि लगभग 1,000 जो है इस वित्तीय वर्ष जो है वो 1,000 कम से कम हैप्पी कस्टमर तक अपने इक्विपमेंट्स को पहुंचाएंगे। क्या है ग्रीनलैंड और क्या सप्लाई करती है, हमारे बीच एक सर है, बताइए सर किस तरह से आपकी कंपनी क्या बनाती है और किस तरह से जो है वो इक्विपमेंट्स वर्क करती है। ये एक ग्रीनलैंड कंपनी है जो राजकोट की है, श्रीराम इलेक्ट्रिक कंपनी के द्वारा संचालित है। ये किसान भाइयों के लिए गेहूं काटने की मशीन है। ये चार चक्के में निर्मित होती है, तीन चक्के में भी निर्मित है। अभी हमारे बेगूसराय ज़िला में चार चक्का उपलब्ध है और ये दो तरह का इक्विपमेंट है। एक फोर व्हीलर्स में जिसको हम लोग रीपर बाइंडर फोर व्हील मतलब हुआ कि गेहूं काट कर उसको बांधा भी जाता है, बांधा भी जाता है। दूसरी जो इनके पास जिन किसान भाइयों के पास ट्रैक्टर है उसके लिए TFM उसको हम लोग बोलते हैं, जो ट्रैक्टर के साथ वो इक्विपमेंट सेट होता है, वो भी उसका भी काम वही सेम है, गेहूं काटना है और उसको बांधना है। ये बेस्ट है और इसका मीटिंग प्रत्येक साल चलते रहता है, हम लोग का सेशन स्टार्ट होता है अक्टूबर से, तो इसके लिए पूरे बिहार के डीलर्स आज आए थे युवराज होटल में और इनकी मीटिंग का मुख्य आयोजन था कि बेस्ट किसानों के बीच कैसे किया जाए और हमारा बीच रीपर का जो कार्यक्रम है वो सब चीज़ प्रस्तुत किया गया।
तो किस तरह से जो है लोगों का रिस्पॉन्स रहा, कितने डीलर्स जो हैं कहाँ कहाँ से आए? आज हमारे बीच बिहार के लगभग जिलों से जो है सभी डीलर्स मौजूद रहे हैं। कुछ जिले ऐसे जिनके कारण कुछ टेक्निकल इशू था, आने में प्रॉब्लम हुई, नहीं तो सभी आदमी आ जाए और पूरे संतुष्ट हुए हैं। संतुष्टि इस बात की हुई है कि जो पिछले साल हमने काम किया, इस साल उसे दोगुना काम करना है और पूरे एनर्जी के साथ काम करना है। और सभी डीलर्स भाइयों का ये कहना है कि पूरे हम लोग 1001 इस बार इक्विपमेंट को ग्रीनलैंड कंपनी का टारगेट को अचीव करके दिखाएंगे। चलिए सर, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम सब देव कल्याण हुआ। हम बिहार में ग्रीनलैंड कंपनी का डिस्ट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं। 2020 में हम ग्रीनलैंड को बिहार में हम लंच किए थे, तो ये राजकोट की कंपनी है। ये ग्रीनलैंड इसका निर्माता है आपका श्रीराम इलेक्ट्रिक कंपनी। तो कुल मिला के हम लोगों का विजन असल होता क्या है, एक्चुअली जो गेहूं का जब कटाई का समय आता है तो पहले क्या था, जो देसी पद्धति था, हाथ से किसान गेहूं का कटाई करता था, इसमें भी लगता था। जी समय भी लगता था और प्रॉपर वे में मजदूर मिल नहीं पाता था। और अभी भी मजदूर अगर मिल रहा है तो लूटपाट ज़्यादा हो रही है। अगर एक बीघा हम गेहूं की कटाई हम करते हैं मजदूर से करवाते हैं तो कुल मिला के हमको लगता है एक बीघा में 4,000 से 5,000 रुपया कॉस्टिंग आ रहा है। तो जब से रीपर बाइंडर का प्रचलन मार्केट में हुआ है, बिहार की धरती पे जब से रीपर बाइंडर का प्रचलन हुआ है, इससे दो फायदा है। एक फायदा है गेहूं का कटाई आपका स्व समय आपका हो रहा है, ठीक है। और दूसरा आपका फायदा है उससे मेरा बिजनेस ग्रो कर रहा है। कितना में हो जाएगा अगर एक बीघा अगर कटाई हम करते हैं तो कुल मिला के लगभग 1500 से 2000 के आसपास एक बीघा कटाई में किसान 50% छूट हो जाता है। जी सर, 50% आपका जो है 50% आपका बजट कम जाता है। अगर 4000 आपका लग रहा है एक बीघा कटाई में, तो वही एक बीघा कटाई में आपको मात्र 2000 रुपया लगेगा। उसके बाद जैसे हम लोग सीजन में क्या होता है, वे किसानों को मान लीजिए खोजते हैं प्रॉपर वे में, किसान मिल नहीं पाता है, और मिलता है तो मान लीजिए भाव बहुत ज़्यादा खाते हैं वो लोग। खैर वो तो अलग चीज़ें हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो जब से रीपर बाइंडर का मान लीजिए प्रचलन हुआ है, तब से किसानों का मान लीजिए बचत आपका दुगुना हो गया। जो काम मान लीजिए 2000-4000 में हो रहा था, वो काम मान लीजिए 2000 में हो रहा है। तो कुल मिला के ये तो किसानों का बेनिफिट हुआ। और दूसरा कि जो मान लीजिए जैसे इस पर क्या है, जैसे रीपर बाइंडर है, तो रीपर बाइंडर में क्या है, जो हमारे पास में दो टाइप का रीपर बाइंडर है, एक आपका फोर व्हील रीपर बाइंडर है जो चार चक्का चालित है, एक आपका ट्रैक्टर वाला रीपर बाइंडर है। तो चार चक्का जो रीपर बाइंडर है उसका पूरे बिहार का जो अगर हम डीपी देखें किसानों के लिए, डीलर प्राइस हम देखें किसानों के, सॉरी एमआरपी हम देखें किसानों के लिए, तो 5,30,000 रुपया आ रहा है। तो उसमें क्या है, जो बिहार का जो बिहार कृषि विभाग का जो सब्सिडी है, इसमें बिहार सरकार सब्सिडी दे रही है, लेकिन जो सामान्य वर्ग के जो किसान हैं उनको 2,00,000 रुपया दिया जा रहा है। जो अति पिछड़ा वर्ग के जो किसान हैं, जैसे EBC और वर्ग के जो किसान हैं, दोनों को कैटेगरी 1 में रखा गया है, उसमें किसानों को 2,50,000 रुपया सब्सिडी है। तो इसमें किसानों को सहूलियत हो रही है, एक तरफ गवर्नमेंट भी सपोर्ट कर रही है, ठीक है। अगर जो सामान का कीमत 5,30,000 रुपया हुआ, उसमें 2,00,000 रुपया हमको काउंटर पे जिस किसान जो इसमें क्या कुछ प्रक्रिया है सब्सिडी लेने के लिए, इसमें जैसे ऑनलाइन पोर्टल खुलता है, ऑनलाइन पोर्टल खुलने के बाद किसानों को आवेदन करना पड़ता है। 5,00,000 का चीज़ जो है 2 से 2,50,000 में हो जाए। जी 5,00,000 का जो आपका जो यंत्र है, जैसे रीपर बाइंडर फोर व्हील 5,30,000 जो इसका कीमत है, उसमें 2,50,000 सब्सिडी है, तो वो माइनस हो जाएगा 2,50,000 सब्सिडी। 2,80,000 रुपया मात्र किसान को पे करना है। और जो 5,00,000 जैसे जनरल वर्ग के किसान है, 5,30,000 में 2,00,000 रुपया उनको अनुदान मिल रहा है, तो मात्र 3,30,000 रुपया ही किसान को देना है। रेस्ट जो पैसा है वो गवर्नमेंट निर्माता को पे करते हैं। तो एक तो सहूलियत आपका ये हो गया। ट्रैक्टर वाला जैसे कीमत हो गई आपका, ट्रैक्टर के आगे में लगता है, तो ट्रैक्टर वाला का कीमत जैसे 2,80,000 हुआ या 3,00,000 रुपया हुआ, तो उसमें आपका 1,20,000 सामान्य का सब्सिडी है, और हरिजन और अति पिछड़ा वर्ग के जो किसान हैं उसमें आपका 1,50,000 सब्सिडी है। तो उसमें क्या होता है, जो आपका MRP है, जैसे 3,00,000 आपका MRP हुआ, उसमें हम लोग क्या करते हैं, अगर जनरल है, अगर 1,20,000 सब्सिडी है, तो 1,20,000 हम माइनस करके शेष अमाउंट हम लेके उसको हैंड ओवर कर देते हैं। इस बार क्या टारगेट है इस बार एक पूरे वित्तीय वर्ष में? इस बार चूंकि हम पिछले साल हम लोगों का प्रदर्शन बहुत बेस्ट रहा, हम लोगों का जो टोटल जो पूरे बिहार लेवल की जो हम लोगों का ग्रीनलैंड का टीम है, बेस्ट परफॉर्मेंस रहा, तो बहुत ही बेहतरीन हम लोग काम किए हैं। तो हमारे टीम में सभी लोग जेनेटिक हैं। तो इस बार हम लोगों का जो विजन है, जो हम लोगों का जो मेन गोल है, वो 1,001 रीपर बाइंडर ट्रैक्टर और चार चक्का मिला के
ठीक है, पूरे बिहार में इस 17-24-25 में कुल मिला के 1001 रीपर बाइंडर बेचने का हम लोगों का टास्क दिया गया, टास्क उसको हम लोगों का गोल समझ गया कर पाएगा एकदम सर। हम लोग पूरा जोर शोर 100% पूरा करेंगे, क्योंकि हम लोगों का टीम में सब जेनेटिक लोग हैं, एकदम मेहनत करेंगे और हम लोगों को 100% हम आश्वस्त हैं कि हम उस टारगेट को 100% अचीव। इस बार कौन जिले के और कौन से मतलब डीलर हैं जो सबसे ज़्यादा बेचे इस साल में? पिछले साल में जैसे अभी प्रेजेंटेशन हुआ है, आप भी देखे हैं, जो एक नंबर पर आपका वैशाली एग्रो एजेंसी आया है, वो आए हैं, उनके प्रतिनिधि वो नहीं आए हैं, उनका प्रतिनिधि आए हैं, तो वो सबसे ज़्यादा वैशाली में वो पूरे बिहार में सप्लाई किए हैं। जो सेकेंड नंबर में आपका समस्तीपुर के डीलर हैं, आपका बिहार एग्रो एजेंसी हैं, वो भी नहीं आए हैं कोई कारण से बाहर, उनका प्रतिनिधि आए हुए हैं। और तीसरे नंबर पर आपका आप हैं क्या? तीसरे नंबर पर ये दरभंगा से हैं, अपराजिता कृषक सेवा केंद्र के नाम से हैं। आइए सर, किस तरह से किसानों को जो है आप सर्विस दे के जो है आज बहुत सारे इक्विपमेंट्स दे दिए हैं? देखिए, जहाँ तक कि हमारी ग्रीन लैंड रीपर की बात है, तो हम विगत 3 साल से काम कर रहे हैं, और जब मैंने शुरू किया था उस समय से अभी तक हमारे यहाँ जो भी हमारी टीम थी हमारे डीलर पॉइंट की, वो सबको ग्रीन लैंड कंपनी से ट्रेनिंग प्रोवाइड कराया गया, और उसी टीम के जरिए मैं सर्विस प्रोवाइड कराया हूँ, और अच्छा परफॉर्मेंस रहा है हमारी मशीन की। जहाँ तक कि अगर कोई किसान को रात में 1 बजे अगर मशीन में कोई तरीके का अगर प्रॉब्लम हुआ, तो हमारा जो मैकेनिक है वो चल जाता है 4 बजे, मैंने सवेर तक 4 बजे तक वो लोग काम किया है। जहाँ तक की बात है, हम लोगों को भी खुद जाना पड़ता था, 12 बजे रात तक गए हैं, और वो फील्ड में जाके खेत में जाके किसानों को सर्विस प्रोवाइड किए हैं, और किसान पूर्णतः संतुष्ट हैं। और इस बार का जो टारगेट हम लोगों को मिला है, वो टारगेट हम खास करके ये 2 डीलर पॉइंट अपने ज़िला में बना के इस बार एक नया उद्घाटन किए हैं, जो बिरौल 17 नंबर NH के पास 0 माइल है, वहाँ पे है। और ये मेरा विश्वास है, जो हम 60+ मशीन का जो है सो बिक्री के जुड़ना चाहेंगे, आपके इक्विपमेंट्स को लेना चाहेंगे, इतना अच्छा फ़ायदा है, बहुत लोगों को जानकारी नहीं रहती है सब्सिडी की, तो किस तरह से उनको इनवाइट करना चाहेंगे अपने 1000 टारगेट को पूरा करने में? देखिए, ये तो चूँकि हमारा पूरा बिहार का टारगेट 1001 रीपर वेंडर का है, तो डिस्ट्रिक्ट वाइज, चूँकि हमारे यहाँ डिस्ट्रिक्ट वाइज बजाबती डीलर बना हुआ है, ठीक है, तो सभी जगह अलग अलग डीलर हैं, तो हम किसान को बस यही आश्वस्त करेंगे कि जो आराम से वो YouTube पर जाएं और श्रीराम इलेक्ट्रिक कंपनी के नाम से सर्च करें, उसमें कस्टमर केयर नंबर है, वहाँ वो फ़ोन करें, वो जिस ज़िला से हैं उनको वहाँ के जो डीलर हैं वहाँ का नंबर उनको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वो आराम से वहाँ के जो संबंधित डीलर हैं उनसे वो कॉन्टैक्ट करके बातचीत करके उनसे कौन ऑनलाइन में कौन सा डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है वो सारी जानकारी टेलीफोनिक माध्यम से उनको दे दिया जाएगा और मशीन के माध्यम से बता दिया जाएगा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई फिर जी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देख सकते हैं, और आप जो है सस्ते में जो है आप ये जो है एक छोटा सा बिजनेस चालू कर सकते हैं, और आज वित्तीय वर्ष 2024-25 का टारगेट लिया गया था। होटल युवराज हम आए हुए थे, मैं कुमार सानू सहयोगी नीरज के साथ, आप देख रहे थे FOB।